नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 15 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सामान्य यात्री भी कर सकेंगे हमसफर ट्रेन में यात्रा। हमसफर ट्रेन का किराया महंगा होने की वजह से अक्सर आम नागरिक को इस ट्रेन में सफर करने से पहले सोच विचार करना पड़ता है, मगर अब फ्लेक्सी किराया हटने के बाद से इस ट्रेन में आम नागरिक भी बिना ज्यादा किराया दिए आराम से और खुशी खुशी सफर कर सकते हैं। आपको बता दें, रेलवे विभाग सामान्य नागरिकों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इन ट्रेनों में AC-3 टायर कोच के साथ साथ स्लीपर कोच लगाने जा रहा है। हालांकि इस बाबत अभी तक किसी भी तरह की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। पटना में जल निकासी की नई योजना बनकर हुई तैयार। हाल ही में बारिश के कारण बेहाल हुए पटना में जल निकासी की सुविधाओं को देखते हुए सरकार अब ठोस कदम उठाने जा रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक का अहम मुद्दा जल जमाव के मूल कारण और उसके बाद पानी की निकासी में विलम्ब होने की वजह, साथ ही साथ भविष्य में ऐसी परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, इस पर भी सोच विचार हुआ। आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पेश किया गया था। गिरिराज सिंह अपनी फिल्म का पोस्टर देख हुए हैरान। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आए दिन अपने बयानों से मीडिया में बने रहते हैं, लेकिन इस बार गिरिराज सिंह का नाम मीडिया में महज उनके बयान के लिए नहीं बल्कि उनकी जीवनी पर बनने वाली फिल्म को लेकर है। ज्ञात हो, कुछ दिनों पहले ही गिरिराज सिंह पर बनी फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसके बाद गिरिराज ने पोस्टर शेयर कर ट्वीट किया है कि इस पोस्टर को बनाने वाले ने हमसे कोई संपर्क नहीं साझा था और न ही कोई अनुमति ली थी। इस तरह की किसी भी चीज में मेरी रुचि नहीं है। बिहार के गौतम बने KBC के तीसरे करोड़पति। सोनी पर आने वाले मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में सिर्फ 2 लोगों ने अब तक 1 करोड़ की धनराशि अपने नाम की थी। इसी क्रम में बिहार के गौतम कुमार झा इस सीजन के तीसरे करोड़पति बन चुके हैं। इस बाबत सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर प्रोमो शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि गौतम कुमार झा ने 1 करोड़ के सवाल का सही जवाब दिया है, जिसके बाद शो के होस्ट अमिताभ बच्चन उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। गौतम 7 करोड़ के प्रश्न का जवाब देते हैं या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। गया में होने वाला है नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन। हर साल भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ की ओर से आयोजित किए जाने वाले नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन गया के कालचक्र मैदान में होने जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य संरक्षक संजय कुमार सिंह व औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने किया। पटना के 20 नए मोहल्ले आए डेंगू की चपेट में। पटना में डेंगू की हवा फैलती जा रही है। डेंगू की चपेट में आने वालों की संख्या अगर देखें तो अभी तक कुल 1355 है। आपको बता दें, पटना में डेंगू का कहर अक्सर देखने को मिला है, मगर इस बार बारिश के कारण हुए जलजमाव से इसकी चपेट में आने वालों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। तेजस्वी की रैली में फेंकी गई कुर्सियां। सिमरी बख्तियारपुर में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए रैली करने मैदान में उतरे तेजस्वी यादव की जनसभा में अचानक से कुर्सियों की बरसात देखने को मिली। अपनी जनसभा में तेजस्वी हमेशा की तरह नीतीश सरकार पर जमकर तंज कसते नजर आ रहे थे। इसी बीच एक शख्स जैसे ही उन्हें माला पहनाकर स्टेज से नीचे उतरा, वैसे ही किसी के साथ उसकी बकझक शुरू हो गई। उसके बाद क्या था, सभी के बीच कुर्सी इधर से उधर फेंकना शुरू हो गया। हालांकि प्रशासन ने तुरंत ही इस पूरे मामले पर काबू पा लिया था। सारण के शिवा पहुंची मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड के फिनाले में। बिहार के सारण जिले के शिवा कुमारी यादव मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड के फाइनल्स में पहुंच गई हैं। आपको बता दें, शिवा हंसराजपुर के टोला के अपर निरीक्षक पद के सेवानिवृत्त हुए रामशंकर यादव की पुत्री हैं। ज्ञात हो, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का फाइनल्स इसी महीने ग्रीस में होने वाला है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड के 9वें सीजन के फिनाले में पहुंची शिवा ने स्नातक की पढ़ाई जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज बिष्टुपुर से की है। बिहार से 17 अक्टूबर तक मॉनसून लेगा विदाई। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पूर्व मॉनसून की रुखसती 17 अक्टूबर तक हो सकती है। रविवार और सोमवार को भी बिहार के किसी किसी जिलों में छिटपुट बारिश देखने को मिली। वहीं बिहार में शरद ऋतु के आगमन की झलक भी अब देखने को मिलने लगी है। इसके साथ ही पटना का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य ही दर्ज किया गया है। बिहार विश्वविद्यालयों में चुनाव करवाने के लिए मिले आदेश। राजभवन ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव करवाने का आदेश दिया है। ज्ञात हो, राजभवन ने पहले भी यानी कि अगस्त में ही सभी विश्वविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव करवाने का आदेश दिया था, मगर सभी विश्वविद्यालयों ने राजभवन के इस फैसले को सिरे से अनदेखा कर दिया। विश्वविद्यालयों की अनदेखी को देखते हुए राजभवन ने सख्ती से निर्देश देते हुए नवम्बर तक चुनाव सम्पन्न करवाने का आदेश जारी किया है। चुनाव से पहले चिराग पासवान का दावा। लोजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने उपचुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। उपचुनाव से पहले ही चिराग ने यह दावा किया है कि आगामी चुनाव में NDA पूर्ण बहुमत से सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चिराग के इस दावे के बाद सियासी महकमे में हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें, 21 अक्टूबर को बिहार में 5 सीटों पर विधानसभा और 1 सीट पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं।
सप्त क्रांति एक्सप्रेस में एसी स्लीपर बोगी में यात्रियों की संख्या बढ़ी। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस में एलएचबी कोच जुड़ने से एसी व स्लीपर में सीटों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं जनरल में हर कोच में 50 सीट कम हो गई है। एसी व स्लीपर क्लास में सीट बढ़ने से आरएसी और वेटिंग वाले यात्रियों को फायदा मिल रहा है। या तो सप्त क्रांति एक्सप्रेस के पुराने रैक में स्लीपर के 11 कोच लगाए जाते थे, लेकिन एलएचबी कोच जुड़ने से स्लीपर कोच अब 10 हो गई है। बीपीएससी 63वीं परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। बीपीएससी ने 63वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुल 807 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद चयनित छात्रों का साक्षात्कार 27 अगस्त से शुरू होगा। रिजल्ट से जुड़ी सभी जानकारी जल्द ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। आपको बता दें, इस परीक्षा में लड़कों में श्रियांश तिवारी टॉपर रहे, तो वहीं लड़कियों में सुनिधि पहले पायदान पर रही। आरसीपी सिंह और अशोक चौधरी लगातार कर रहे हैं कैंप। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुने हुए प्रत्याशियों के लिए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी लगातार भागलपुर में अपना डेरा जमाए बैठे हैं। इसी बीच आरसीपी ने जगदीशपुर, सबौर और नाथनगर कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें, यह दोनों नेता आगामी उपचुनाव के मद्देनजर भागलपुर में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्यवाणी हुई सच। राजभवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फसल अवशेष कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें लग ही रहा था कि सितंबर के महीने में कुछ अनुचित होने वाला है, क्योंकि जुलाई में ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। हमें जैसा लग रहा था वैसा हुआ भी। सितंबर के महीने में बारिश के इस रूप के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि पटना की इस हालत के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो लगातार पर्यावरण के साथ खेल करते हैं। करीब 2.25 लाख लोगों के खाते में दिए गए 6,000 रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 2,27,650 परिवारों को प्रति परिवार रुपए का भुगतान कराने का शुभारंभ किया है। पहले चरण में बाढ़ प्रभावित जिलों के परिवारों को 136,98,94,000 रुपए की सहायता राशि बैंक खाते में भेजी गई थी। आपको बता दें, सितंबर महीने में भारी बारिश के कारण राज्य के 15 जिलों पटना, भोजपुर, भागलपुर, नवादा, नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल और पूर्णिया बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए थे। संजय जायसवाल ने कहा, संगठन की शक्ति को करें मजबूत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि सत्ता का आना जाना लगा रहता है, लेकिन संगठन की एकता और मजबूती से उसका फल आने वाले पीढ़ी के कार्यकर्ता को मिलता है। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में जदयू भाजपा नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन लड़ रहा है। ऐसे में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में अपनी अपनी भूमिका अदा करें। भागलपुर करेगा राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी। 14 से 23 नवंबर तक सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी भागलपुर करने जा रहा है। इसमें राज्य के सभी जिलों की टीमें शामिल होंगी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम के बेहतरीन पिच के कारण यह अवसर भागलपुर को दिया गया है। आपको बता दें, टीम की संख्या अधिक होने की वजह से सैंडिस के बाहरी मैदान में भी मैच खेले जाएंगे। ज्ञात हो, भागलपुर इससे पहले भी 3 बार राज्य स्तरीय क्रिकेट की मेजबानी कर चुका है। ईपीएफओ ने शुरू किए पीएफ खातों में ब्याज के पैसे देना। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से पहले देने जा रहा है एक बड़ा तोहफा। ईपीएफओ अब पीएफ खातों में ब्याज देने का काम शुरू कर रहा है। भविष्य निधि निकासी दावों के तहत ईपीएफओ 2018-19 के लिए 8.65% की दर से ब्याज का भुगतान कर रही है। वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.55% की ब्याज दर से ब्याज दिया गया था। इसके अलावा अब आप एक मिस्ड कॉल, एसएमएस या ऑनलाइन पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हैं। एसएससी जेई परीक्षा के आंसर की जारी। एसएससी की जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती 2018 की परीक्षा के आंसर की जारी हो गई है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी दिए गए उत्तर पत्र पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह 17 अक्टूबर तक 12 बजे तक कर सकते हैं। इसके लिए प्रति सवाल 100 रुपए देने होंगे। आपको बता दें, उम्मीदवार अपने रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। मांझी ने राजद पर कसा तंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने सहयोगी पार्टी राजद पर तंज कसते हुए कहा है कि राजद ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। यह बातें मांझी ने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर की। दरअसल मांझी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार राय के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बरहपुरा पहुंचे थे। इसके अलावा मांझी ने यह भी कहा कि नाथनगर सीट से अजय कुमार ही प्रत्याशी है, इसलिए बिना कुछ सोच विचार कर उन्हें वोट दे।
पटना में हुए जलजमाव पर फिर बोले सुशील मोदी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में हुए जलजमाव के कारण पैदा हुए हालात पर एक बार फिर ट्वीट कर कहा है कि हम चुनौती को अवसर में बदलेंगे, समस्याओं का समाधान भी हम ही लोग करेंगे। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि काम करने वालों से लोग अपेक्षा करते हैं, कठिन दौर से बिहार को निकाला है, इस दौर से भी पटना को निकाल लेंगे। आपको बता दें, बिहार में बारिश के कारण राजधानी पटना का जलजमाव से बुरा हाल था। कई दिनों तक लोग अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए थे। हाई लेवल मीटिंग में नहीं बुलाए जाने पर बोले रामकृपाल यादव। नीतीश कुमार ने बिहार में जलजमाव की स्थिति और उससे निजात पाने की समीक्षा के लिए पटना में एक हाई लेवल की मीटिंग का आयोजन किया था। बैठक में पटना के विधायकों और सांसदों को नहीं बुलाया गया था, जिसके पश्चात पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा विधायकों को समीक्षा बैठक में ना बुलाना दुख की बात है। हमें तो मीडिया से पता चला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी किसी समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। ड्रीम गर्ल का जादू एक महीने बाद भी है बरकरार। आयुष्मान खुराना की फिल्म द ड्रीम गर्ल रिलीज होने के एक महीने बाद भी पर्दे पर बरकरार है। आपको बता दें, अभी तक इस फिल्म ने कुल 140 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। 13 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जिसके कारण फिल्म की कलेक्शन में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस फिल्म से पहले और इस फिल्म के बाद कई सारी फिल्में आई, मगर कुछ ही दिनों बाद सिनेमाघरों से गायब हो गई, लेकिन ड्रीम गर्ल अब तक सभी सिनेमाघरों में चल रही है। बीसीसीआई प्रमुख बनने जा रहे हैं गांगुली ने कही ये बात। बीसीसीआई प्रमुख बनने जा रहे सौरभ गांगुली ने कहा है कि इस पद के साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं, जिनसे वो निपटने की भरपूर कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी संभालने के पश्चात सौरभ गांगुली कई बदलाव कर सकते हैं। सौरभ गांगुली ने कहा है कि बतौर बीसीसीआई हेड मेरी पहली प्राथमिकता फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को लेकर होगी। मैंने क्रिकेट ऑफ एसोसिएशन से बातचीत कर ली है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि रणजी टीम के खिलाड़ियों को भी अच्छे पैसे मिले। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।